Hello everyone, I'm glad you are watching my video and today's topic is on menstrual irregularity by my husband is gynecologist and ये video वो सब women को dedicated है कि जो menstrual irregularity को face कर रहे हैं. Hello friends, so today's topic is menstrual irregularity. I chose this topic because of the two reasons. First is, this is for my relative who are hesitated to ask me certain common thing regarding the menstruation, and the second thing, actually I was given homework by my wife after a long time to speak over it. Menstrual irregularity के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे what is normal menstruation and what is irregular menstruation. Normally ladies को महावारी 28 days पे आती है, लेकिन वो 1 week आगे पीछे हो सकती है. यानी किसी लेडी को 21 days से 35 days के बीच में अगर महावारी आती है तो वो normal menstruation है, लेकिन interval 35 days से ज़्यादा है यानी कि ओलिगोमेनोरिया यानी कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, और किसी को 21 डेज से कम है यानी कि पॉलीमेनोरिया, वो भी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है. नॉर्मली मेंसेस 2 से 5 दिन तक आता है, लेकिन किसी को 7 दिन से ज्यादा कंटिन्यूस महावारी जाती है, या किसी को कंटिन्यूस पैड चेंज करने पड़ते हैं, या किसी को खून की गांठें गिरती है, उसे हम बोलते हैं मेनोरेजिया, वो भी एबनॉर्मल मेंसेस है. नॉर्मली महावारी के टाइम पेट के नीचे के बाजू में दर्द होता है, लेकिन वो दर्द बहुत ही ज्यादा है, या तो फिर महावारी चले जाने के बाद भी वो दर्द रहता है, या तो मेंसेस आने से पहले वो दर्द चालू रहता है, दैट इज डिसमेनोरेजिया, वो भी एबनॉर्मल है. अभी हम उम्र के हिसाब से मेंसेस एबनॉर्मल होने के कॉमन रीजन क्या है वो देखेंगे. सबसे पहले टीनेज 10 से 14 साल की लड़कियों में देखेंगे. मेंसेस कॉमनली लड़कियों में चालू होता है 10 से 14 साल की उम्र में. वो मेंसेस चालू होने के 2 से 3 साल तक बहुत सारी लड़कियों को मेंसेस एबनॉर्मल इरेगुलर रहता है, लेकिन उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप 2-3 साल के बाद रेगुलर हो जाता है. रेगुलर होने के बाद भी कई लड़कियों को मेंसेस के टाइम पे पेट बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट सिंपल पेन किलर देते हैं, अगर उससे भी कम नहीं होता है तो लोडोस ओसीपिल्स देते हैं. लेकिन ये सभी चीजों में सबसे पहले पेट से सोनोग्राफी करके कुछ एबनॉर्मल है कि नहीं वो देखना जरूरी होता है. 15 से 30 साल की उम्र में डिलेड मेंसेस यानी कि महीना 1.5-2 महीने के बाद आता है, और बहुत ज्यादा आता है. उसका मेन रीजन है वजन बढ़ना. एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लेडी को लगता है कि उनको महावारी कम आती है इसके लिए उनका वजन बढ़ गया है, बट एक्चुअली उनका वजन बढ़ गया है इसके लिए हार्मोन बैलेंस में नहीं है, इसके लिए वो महावारी बनती नहीं है, इसके लिए वो महावारी कम आती है या तो बहुत टाइम के बाद आती है. डिलेड मेंसेस एंड वजन बढ़ने के साथ साथ पिंपल्स होना, शरीर पे बहुत ज्यादा बाल आना, ये सब पीसीओडी के सिम्टम्स हैं. उसके लिए क्या करना है, तो उसका रूट कॉज क्या है कि वजन बढ़ गया है तो वजन कम करना है. अगर बॉडी के 5-10% वजन भी कम हो गया तो अपने आप साइकिल रेगुलर हो जाती है. ओबेसिटी पे ये चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है. अभी हम मिडल एज यानी कि रिप्रोडक्टिव एज यानी कि 20 से 35 साल की उम्र में ये क्यों होता है वो देखेंगे. होने के बाद लेडीज को एबनॉर्मल मेंसेस की कुछ तकलीफ है तो वो प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकती है. अगर 2-3 महीने से महीना नहीं आ रहा है तो प्रेगनेंसी हो सकती है. 2-3 महीने के बाद महीना बहुत ज़्यादा आता है तो मिसकैरेज हो सकता है. 2-3 महीने के बाद महीना ज़्यादा आता है, साथ में पेट में बहुत दर्द भी हो रहा है, तो बहुत रेयरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूब में बच्चा रुका है वो भी हो सकती है. इसके लिए शादी होने के बाद या तो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद अगर मेंसेस में कुछ तकलीफ है तो UPT यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं. UPT भी नेगेटिव है, साथ में इरेगुलर मेंसेस है, तो ये मिडिल एज में मुख्य कारण में गर्भाशय में गांठ होना या अंडाशय में गांठ होना, उसको मेडिकल टर्म में फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, ओवेरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब कहते हैं. सारी चीज़ों के जांच और इलाज अलग अलग हैं, तो ये सब आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे. इसका और एक कॉमन प्रॉब्लम है वाइट डिस्चार्ज. इसके सामने फाउल स्मेलिंग और पेट में दर्द भी हो सकता है. उसका मुख्य कारण है इन्फेक्शन. ये इन्फेक्शन योनि मार्ग का हो सकता है या गर्भाशय का हो सकता है या तो फिर गर्भाशय के मुख का भी हो सकता है. अगर गर्भाशय के मुख का कैंसर बहुत लंबे टाइम तक है तो उस पर चांदी यानी कि सर्वाइकल इरोजन हो सकता है, और ये सर्वाइकल इरोजन बहुत लंबे टाइम से है तो वहाँ से कैंसर, सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है. लेडी को वाइट डिस्चार्ज और फाउल स्मेल की समस्या बहुत लंबे टाइम से है तो उनको ऑब्वियसली उनके फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए. थायराइड एंड प्रोलैक्टिन, अगर ये दोनों हार्मोन बैलेंस में नहीं है तो भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके लिए दोनों हार्मोन की जांच करवाना आवश्यक है. अभी हम देखेंगे पेरीमेनोपॉजल वुमन यानी कि मेनोपॉज होने से पहले का टाइम पीरियड. 40 से 50 साल की स्त्री को अगर इरेगुलर मेंसेस की समस्या है तो उसके लिए कुछ करने की जनरली आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इस एज में अंडाशय की कार्यक्षमता कम हो जाती है और अंडाशय में से जो हार्मोन बनते हैं
जो महावारी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कम बनते हैं, इसके लिए साइकिल भी इरेगुलर हो जाती है। अभी हम देखेंगे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। महावारी बंद होने के बाद अगर खून जाता है तो उसके मुख्य कारण में ईस्ट्रोजन का कम हो जाना, यानी कि स्त्री का जो मेन हार्मोन है ईस्ट्रोजन उसका कम हो जाता है, इसकी वजह से योनि मार्ग और गर्भाशय सूख जाते हैं और वो सूखने की वजह से कभी कभी खून जाता है, बट ये नॉन कैंसरस एंड बेनाइन कॉज है। दूसरा मुख्य और इम्पॉर्टेंट रीजन है कैंसर। ये कैंसर सर्वाइकल या तो एंडोमेट्रियल यानी कि गर्भाशय और गर्भाशय के मुख का भी हो सकता है। इसके लिए अगर किसी लेडी को पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो उनको वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में गिनी जाती है और उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थॉट ऑफ द डे इज एजुकेशन अबाउट मेंस्ट्रुएशन चेंज एवरीथिंग एंड इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।